पुलिस भर्ती पेपर लीक से जहां प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिरा है, तो वहीं विपक्ष को चुनावी वर्ष में इसके रूप में एक बड़ा मुद्दा मिला है। कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने डीजीपी को बर्खास्त कर सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने आरोप लगाया है कि हिमाचल में पेपर माफिया सक्रिय है। 3 से 5 लाख रुपए में पेपर बेचा गया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के मामले की पुलिस ही जांच कर रही है, जिससे निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। डीजीपी से गंभीरता से नहीं ले रहे। जयराम सरकार को उन्हें बर्खास्त कर मामले की सीबीआई या न्यायिक जांच करवानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से 2 सवाल करना चाहती। जो पुलिस भर्ती में पेपर लीक हुआ, उसमें कुछ चीज़ें पब्लिक डोमेन में मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ रही कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों ने 6 लाख से 8 लाख रुपए तक का पेमेंट किया और पेपर खरीदा। यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश की साख आज दांव पे लगी है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप इसमें जो है निष्पक्ष जांच कराने की ज़रूरत है, जो कम से कम सीबीआई से होनी चाहिए या सिटिंग जज से होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते हैं, पुलिस का पेपर, पुलिस ही उस पेपर को करवा रही थी, पुलिस ने ही कंडक्ट करवाया और प्रश्न पत्र भी पुलिस ही बना रही, और आप एसआईटी बना के प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि वही चोर वही कोतवाल, ये नहीं चलेगा। आज हिमाचल प्रदेश की साख का सवाल है और इसमें एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाएं और सिटिंग जज से जो है इसको इंक्वायर किया जाए। ये हमारी मांग मुख्यमंत्री डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में माफिया राज पनप रहा है, पहले शराब माफिया का वजह से हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में बदनाम हुआ, उसके बाद ये पेपर जो लीक हो रहे हैं बार बार, जे ए ओ का भी पेपर लीक हुआ, पुलिस भर्ती का भी लीक हुआ, पुलिस प्रशासन को अपनी जिम्मेवारी। और हमारे साथ करण नंदा जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के मीडिया हेड। करण जी स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। जी नमस्कार। करण जी, पेपर लीक मामले में कांग्रेस को ये लगता है कि इसकी जांच निष्पक्ष रूप से नहीं हो पा रही, सरकार इसको निष्पक्ष रूप से जांच कराने के फेवर में नहीं है, कांग्रेस का ये आरोप। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस किस प्रकार से संतुष्ट होगी तो वो एक व्हाइट पेपर उसके ऊपर दे दे। जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो बेशुमार करप्शन और बेशुमार जो है इनके लीडर जो है वो अपने लोगों को पैसे लेकर सेटल करते हैं, उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता। उनके पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी उस मामले को दबाने का प्रयास करते हैं और उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। आज छोटी छोटी किसी भी प्रकार की त्रुटि हिमाचल प्रदेश सरकार के सामने आती है तो वो एसआईटी का गठन करती है, उसके ऊपर जांच बिठाती है, और उसके बाद अगर जांच ठीक नहीं होती तो दे आर रेडी फॉर आपकी मजिस्ट्रेशनल जांच और अगर उसके लिए भी। पर इस प्रकार की गवर्नमेंट शायद कांग्रेस को राज नहीं आती, क्योंकि इतनी निष्पक्ष और इतनी साफ गवर्नमेंट जो है आज से पहले कांग्रेस आई ने भी नहीं देखी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ पहले कांग्रेस आई अपनी डिमांड स्पष्ट कर दे, फिर हम बता रहे हैं कि हमने किस प्रकार से सारे के सारे जितने भी ये मामले हैं इनको हमने देखा है और इसके ऊपर एक्शन लिया है। जी सोच रही है, मंथन कर रही है। हेलो जी करण जी। हेलो, मेरे हमारे साथ नरेश जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। नरेश जी स्वागत है खबर अभी तक पर। धन्यवाद जी। और हमारे साथ करण नंदा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। तो करण जी, मेरा सवाल आपसे ये भी था कि क्या सरकार इस मामले में सीबीआई जांच कराने के मामले कराने को लेकर भी मंथन कर रही है, डिस्कस कर रही है कुछ? देखिए, जांच के हमारे स्टेप्स होते हैं, तो पहले एसआईटी गठन होता है, इसकी जांच होती है, उसके बाद तुरंत जो है आपकी जो स्टेट जो है वो एक मजिस्ट्रेशनल इंक्वायरी जो है उसको बिठा सकती है, जिसके अंदर एक मजिस्ट्रेट जो है वो उसके अंदर इंक्वायरी करता है। तो सीबीआई की जांच है, उसकी जांच के लिए जो है अगर ये सारी इंक्वायरी फेल होती है तो सीबीआई की। मैं आता हूँ सर आपके पास। नरेश जी, करण जी कह रहे हैं कि कांग्रेस तो किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकती, हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और ये जांच भी ईमानदारी से करेगी, क्या कहेंगे जो आपके सवाल है? सवाल कांग्रेस को संतुष्ट करने का है या लाखों लोगों का जो विश्वास टूटा है सिस्टम से, कि वो सवाल है। कांग्रेस तो केवल विपक्ष के नाते लोगों की आवाज उठाने का काम कर रही है। मुझे ये नहीं समझ आता मुख्यमंत्री जी को घबराहट किस चीज, किसको बचाना चाहते हैं, जब पूरी साख प्रदेश की दांव पे लग गई, माफिया काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी को आगे आके एकदम बताना चाहिए कि हम इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराने के लिए तैयार है। आप सीबीआई इंक्वायरी नहीं कराना चाहते, सिटिंग जज को इसका काम दे दीजिए।
अब जब सामने आ गया पब्लिक डोमेन में कि करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है, तो ये माफिया नहीं है क्या? लोगों ने 6 लाख 8 लाख में पेपर खरीदे और हिमाचल का नाम रोशन किया है सरकार ने, आप घबरा क्यों रहे? हमारा सवाल आज मुख्यमंत्री जी से ये है। दूसरा सवाल, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में फेल है, माफिया पे माफिया काम कर रहा है, कभी शराब माफिया है, कभी खनन माफिया है, अब एक नया माफिया ने जन्म लिया हिमाचल प्रदेश में। आप उनको नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को ऐसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बर्खास्त करना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश के जनता के व्याप्त है। अब आप बताइए इसमें क्या गलत है, कौन सी बात हमने गलत कही है? आप नरेश जी की बात सुन रहे हो तो वो कह रहे हैं कि डीजीपी पर भरोसा नहीं है, उनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए ऐसा है कि एक डीजीपी जो है वो एक बड़ी अच्छी वो आईएएस करके पोस्ट, तो उसको इस प्रकार से आप बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। बाकी ये डिमांड तो कांग्रेस ने जो मर्जी कर ले, बट आप इस प्रकार देखेंगे, देखिए जितने भी ऑफिसर इसके अंदर थे तो उनको वैसे ही ट्रांसफर कर दिया गया है कि निष्पक्ष जांच हो, और उसके अंदर जो है जितने भी ऑफिसर्स की रिपोर्ट है वो दायर हो रही है, तो उसके ऊपर जितनी भी आपकी ये रिपोर्ट है उसके ऊपर मंथन चलेगा, उसके बाद डिसीजन आएगा। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। नरेश जी कुछ कहेंगे आप आखिर में? मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, पेपर भी बी पुलिस का, पेपर भी बनाए पुलिस, सेट करे, एग्जाम भी कंडक्ट कराए पुलिस, और घपला भी हो पुलिस की नजरों में, और उसकी इंक्वायरी भी पुलिस करे एसआईटी, वहाँ भाई चोर भी वही कोतवाल भी वही, आप बताइए कहाँ का न्याय है? ये कहाँ न्याय की ओर जा रहे हैं? कहाँ ये जस्टिस चाहते हैं? कहाँ ये लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं? इसमें तो बनता ही नहीं है एसआईटी एसआईटी, इसमें तो सीधा सीटीआई और अदरवाइज आप वहीं कांग्रेस का ये आरोप है कि जो खुद ही गलत कर रहे हैं उनसे ही जांच करवा रहे हैं, उनका ये आरोप है, तो कैसे फिर निष्पक्ष तरीके से जांच होगी?